हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम पैकेट ट्रेसर में बेसिक लैब बनाना सीखेंगे। जैसे अगर हम चाहते हैं एक सेटअप जिसमें हमारा राउटर हो, कंसोल केबल हो और कंप्यूटर हो, तो आइए देखें हम कैसे अटैच करेंगे। सबसे पहले हम राउटर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमने राउटर का 26-20 मॉडल ले लिया है यहाँ पर, और उसके बाद मुझे कंप्यूटर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके अलावा कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं राउटर से फर्स्ट टाइम, तो एक केबल आती है जिसको हम बोलते हैं कंसोल केबल। और उस कंसोल केबल को हम जब कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर में जो पोर्ट होता है वो कॉम पोर्ट होता है 9 पिन का, और उसको हम RS-232 भी बोलते हैं। और राउटर पर जो पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट, वहाँ पर लिखा होता है कंसोल पोर्ट, वो RJ45 टाइप का बना होता है, जैसे आप देख रहे हैं इस शेप में RJ45 पोर्ट जैसा, लेकिन उसके ऊपर कंसोल लिखा होता है। तो आप उसी केबल से ही कनेक्ट कर सकते हैं, और केबल का कलर लगभग इसी टाइप का होता है या फिर आपको जनरली ब्लैक मिल सकता है। कलर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि राउटर के कंसोल पोर्ट पे लगाना है आपको, और वो आपको RJ45 पोर्ट जैसे दिखेगा और उसके ऊपर कंसोल लिखा होता है। और सिस्टम में देखें हम तो सिस्टम में कॉम पोर्ट इस टाइप का होता है RS-232। यह देखिए कंसोल केबल है, और कंसोल केबल के अंदर जो पोर्ट है ये जो पोर्ट लगेगा कंप्यूटर पे लगेगा, और जो आप RJ45 कनेक्टर देख रहे हो ये लगेगा हमारे राउटर पर। यह देखिए ये कंसोल पोर्ट है, RJ45 जैसा दिख रहा है बिल्कुल, एक्चुअल में RJ45 कनेक्टर ही है, और ये देखिए कंसोल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला कनेक्शन लगेगा राउटर की साइड पे, और जो आप ये देख रहे हैं कनेक्शन ये लगेगा कॉम पोर्ट पे। यह देखिए ये 9 पिन का जो है कॉम पोर्ट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको हमने RS-232 से कनेक्ट कर दिया, और हमने राउटर पर इसको कंसोल पोर्ट से, अगर इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो रियल लाइफ में हम एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर टर्मिनल, उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं राउटर को डेस्कटॉप। और यहाँ पर हम जो एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं टर्मिनल, इसको हम ओके कर देंगे, और आप देखिए बिल्कुल वैसा ही पोर्ट आ गया जो राउटर में अवेलेबल है। तो आप यहाँ से भी राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।